त्रिदंडिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्री भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के श्री चरणों में और सभी उपस्थित वैष्णवों और वैष्णवी भक्तगणों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो महाराज की आज्ञा है कि इस परम पावन स्थान पे जहां हम सब लोग उपस्थित हुए हैं उसके विषय में कुछ कथा करें, कुछ महाराज जी भी इस विषय की महिमा सुनाएंगे। तो गुरु गौरांग की कृपा से जिस स्थान पर हम लोग इस समय आए हैं इसको खायारे अथवा खदीर वन भी कहते हैं। ब्रजमंडल में कई मनोरम रमणीय स्थान हैं, कई सुंदर सुंदर वन हैं जो हम अपनी इस भौतिक दृष्टि से उस रमणीयता का दर्शन नहीं कर पाते, परंतु आज भी इन सब स्थानों पर राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएँ होती हैं। इस स्थान पर कृष्ण गोचारण के लिए आते थे। यहाँ पे संगम कुंड है जहाँ पे राधा और कृष्ण का संगम होता था, उनका मिलन होता था। तो एक बार कृष्ण गोचारण के लिए अपने सखाओं के यहाँ साथ आए तो कंस का भेजा हुआ एक असुर, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेकानेक असुरों को भेजा है ना, शक्टासुर पूतना त्रिनावर कई असुरों को भेजा, और ये सब असुर बड़े मायावी थे, अलग अलग रूप धारण करके आते थे। तो ये असुर जो था जिसका नाम था बकासुर, बक का अर्थ होता है बगुला है ना, बगुला और असुर था, पर बगुले के रूप में आया और बहुत विशाल, उसकी बहुत बड़ी चोंच, और चोंच का जो नीचे का हिस्सा था वो जमीन के साथ लगा हुआ, और उसने चोंच ऐसे अपनी इतनी फैलाई कि जो ऊपर वाली चोंच का हिस्सा था वो आकाश को छू रहा था, और क्या करना चाहता था, कृष्ण को निगल जाना चाहता था। उसको देख करके सभी जो कृष्ण के सखा थे वो सब बहुत घबरा गए, और किसको पुकारा, कृष्ण को। जो भक्त हैं वो हर परिस्थिति में केवल भगवान को ही पुकारते हैं और किसी को ध्यान नहीं करते। कृष्ण को पुकारा कि इससे रक्षा करें। तो कृष्ण आए, देखा इस असुर को, और उन्होंने खेल खेल में ही अपने हाथ से उसकी दोनों चोंचों को पकड़ा, और जैसे किसी घास के टुकड़े को दो हिस्से कर दिए जाते हैं उसको तोड़ करके अलग कर दिया। तो जब ये आया था तो इसको देख करके कि ये सबको खा जाएगा, तो सारे सखा बालक जोर जोर से बोलने लगे, खाया रे खायो रे खायो रे खायो रे खायो रे कि खा जाएगा। तो उस कारण से इस स्थान का नाम पड़ा खायो रे, वास्तव में इसको खदीरवन कहते हैं। तो कृष्ण ने बकासुर का यहाँ पर वध किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि जितने भी कृष्ण लीला में असुर आए उनका कोई ना किसी किसी अनर्थ से संबंध है। वास्तव में ये लीलाएं हुई,
वास्तव में लीलाएं हुई। भारत में कई लोग विशेष करके आजकल कहते हैं कि कृष्ण को किसने देखा, ये सब तो पौराणिक कथाएं हैं, है ना। ऐसा कुछ हुआ नहीं था 5000 वर्ष पूर्व, यहाँ पे भगवान थे नहीं, ये सब कथाएं हैं जो हम लोग सुनाते हैं, पर ये सब बिल्कुल गलत है। वास्तव में भगवान 5000 वर्ष पूर्व इस धरती पे थे और आज भी हैं अपने नित्य धाम में। यहाँ पे उन्होंने अपनी दिव्य लीलाएं करी अपने भक्तों के साथ, परंतु भगवान की हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य भी है। तो भगवान ने जितने भी असुरों का दमन किया, वो सब के सब असुर किसी एक अनर्थ को इंगित करते हैं। तो बकासुर भक्त विनोद ठाकुर समझाते हैं कि ये कौन सा अनर्थ है। अनर्थ का अर्थ, अनर्थ का अर्थ समझते हैं, है ना, एक होता है पाप और एक होता है अनर्थ। तो अनर्थ हमारे भजन में बाधा डालते हैं। पाप तो धुल जाते हैं, भगवान का एक नाम लेने से इतने पाप धुल जाते हैं जितना कि जीव कर भी नहीं सकता, इतनी नाम में शक्ति है, परंतु अनर्थ नहीं जाते। तो बकासुर जो बगुला है वो क्या होता है, बगुला बहुत कपटी होता है, वो दिखाता है कि मैं एक टांग पर खड़ा हुआ हूँ और तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन सबकी आंख छुपा करके मछलियां खाता है, है ना, कपटता पूर्व है। तो बगुले को सब कहते हैं कपटा, कपट पूर्ण है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी जब भजन करते हैं तो उसमें जो कपटता है वो बाधा डालती है। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से तो बहुत हम लोग विनीत विनम्र बनते हैं, अरे प्रभु जी मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं, लेकिन प्रभु जी गए तो पीठ पीछे उनकी निंदा करनी प्रारंभ कर दी, है ना। तो ये जो कपटता है ये भजन में बाधा डालती है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को तो बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन जो हृदयस्थ परमात्मा है उनको उनको कैसे बेवकूफ बनाएंगे। गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन सब जीवों के हृदय में स्थित, हृदय प्रदेश में स्थित मैं परमात्मा हूं, है ना। तो इंग्लिश में कहावत है We can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. कि कुछ लोगों को हम हर समय बेवकूफ बना सकते हैं, है ना, उनका स्वभाव ही होता है कि बड़े सीधे सरल के आप उनको बुद्धू बना सकते हैं, और सब लोगों को आप किसी किसी समय बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को हर समय आप बुद्ध नहीं बना सकते। लेकिन हम कहते हैं साथ में कि यू कैन नॉट फूल कृष्णा एट एनी टाइम, लेकिन भगवान को आप कभी भी उनको चीट नहीं कर सकते, उनसे कपटता नहीं कर सकते। आप दूसरों से छुपा लेंगे कि आपने क्या गलत किया, क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो हृदय में बैठे हैं, उनको कैसे बेवकूफ बनाएंगे। तो इसलिए जो एक कपटता है वो भजन में बाधा देती है। श्री गुरुदेव ने ब्रजमंडल परिक्रमा समाप्त होने के 1993 में वृंदावन में उन्होंने कहा था कि देखो ब्रजमंडल परिक्रमा का फल क्या है, हम किस भाव से परिक्रमा करते हैं, राधा कृष्ण की का प्रेम प्राप्त हो, परंतु कब वो प्राप्त होगा, जब हम निष्कपट बनेंगे। तो निष्कपटता हमारे में आए, जैसा अंदर है वैसे ही बाहर हो। यदि हृदय में कुछ कपट है तो गुरु वैष्णवों के चरणों में आकर के प्रार्थना करें कि महाराज जी प्रभु जी मेरे हृदय में ये सब गलत भाव है, आप कृपा करें दूर हों, उन्हें छुपाएं नहीं, विशेष करके गुरुजनों से उन्नत वैष्णवों से कभी नहीं छुपाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है। पर कपटता दूर कैसे होगी, ये दूर होगी भक्तों के संग में, भक्तों के संग में रह करके जब हम हरि नाम करेंगे और हरि कथा का श्रवण करेंगे। जो ब्रजमंडल परिक्रमा में आ रहे हैं महाराज जी के अनुगत्य में, तो इनसे श्रवण करके भक्तों के संग में कीर्तन करके ऐसे ही धीरे धीरे हृदय में जो कपटता है वो दूर होगी। जो भगवान का नाम है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इस नाम में डाल दी हैं। जब तक भगवान की शक्ति का, उनकी जो हलादनी शक्ति श्रीमती राधिका है, जब तक वो हमारे हृदय में गुरु वैष्णव की कृपा से नाम के माध्यम से जब तक हमारे हृदय में नहीं आएंगे, तब तक लाख प्रयत्न करने पे भी हमारा हृदय जो है वो स्वच्छ नहीं होगा। इसलिए नाम का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि कले दोष निधे राजन अस्ति एको महत गुणा। ये जो कलयुग है ये कपटता से भरा हुआ है, तभी तो इसको कली कहते हैं, हर जगह कपटता ही कपटता है, विशेष करके भारत में तो हम लोग देखते हैं, सब जगह है ना। आप
गवर्नमेंट के ऑफिस जाएं, वहां पे कपटता है, रिश्तेदारों में कपटता है, कहीं पे भी जाएं हर जगह कपटता ही है। तो इस कलयुग में यह दोष बहुत बड़ा है, हर समय सब स्थानों पे झूठ है, कपटता है, फरेब है। परंतु वो कहते हैं कि अस्ति एको महत गुणा, कि इस कलयुग में एक गुण जो है वो बहुत बड़ा है, वो क्या है? कीर्तनात एव कृष्णस्य, कि कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्तः संघः परम व्रजे। इस कलयुग में भगवान ने एक विशेष कृपा करके अपना नाम दिया है कि इस नाम का उच्चारण करने से सब प्रकार के दोष हैं, अनर्थ हैं, यदि हम इसको निष्कपट भाव से करेंगे तो जितने भी दोष हैं वो सब दूर हो जाएंगे। अगर हमारे हृदय में कुछ अनर्थ भी हैं, परंतु यदि हम ईमानदारी से उसको दूर करना चाहते हैं, ईमानदारी से, कपटता नहीं, ईमानदारी से, तो इसी नाम के माध्यम से वे सब अनर्थ भी दूर होंगे। तो नाम की महिमा है। श्रीपाद शंकराचार्य भी कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्त सन्निहिति काले ना ही रक्षति दुष्कृत करने, कि गोविंद का नाम भजो, गोविंद का नाम भजो, गोविंद का नाम भजो। इसको उन्होंने एम्फसाइज किया 3 बार कह करके, क्योंकि अंत समय में भगवान के नाम को छोड़ करके और कोई भी वस्तु हमारे को काम नहीं आएगी। लेकिन जब भगवान का नाम लेते हैं उसकी भी एक विधि है, भगवान का नाम लेने की भी विधि है, और वो विधि क्या है कि हम गुरु वैष्णवों के आनुगत्य में एक सद्गुरु से दीक्षा लेकर के, मंत्र लेकर के, फिर उस नाम का उच्चारण करें, है ना। गायत्री मंत्र है, भगवान का नाम है, क्योंकि जब तक हम इसको गुरु से नहीं प्राप्त करते तो उस मंत्र की पूर्ण रूप से सिद्धि नहीं होती, है ना। ये जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान का ही स्वरूप है, राधा कृष्ण ही है, हरे श्रीमती राधिका कृष्ण, तो कृष्ण ही है, राधा कृष्ण है, परंतु सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक हम गुरु वैष्णवों के आनुगत्य में नहीं करेंगे। और जो नियम है वैष्णव भजन के, उनका पालन नहीं करेंगे, है ना। तो क्या नियम है? बहुत सरल नियम है, भगवान ने सब कुछ सरल किया। सबसे पहले तो मीट आदि नहीं खाना, अंडा नहीं खाना। कोई इसमें, आप लोग सब शाकाहारी है ना, सबके सब, हाँ, तो अगर कोई खाता भी है अगर अंडा वगैरह, तो प्रण करके जाएंगे कि वो बिल्कुल नहीं खाना। और साथ साथ प्याज लहसुन भी नहीं खाना, प्याज लहसुन छोड़ना मुश्किल हो जाता है ना पर प्याज लहसुन नहीं खाना, क्योंकि प्याज और लहसुन ये तामसिक हैं, राजसिक हैं। इनको खाने से हमारे हृदय में नाना प्रकार के कुभाव आते हैं, तो प्याज और लहसुन भी छोड़ना है। और देखिए कठिन नहीं है, बहुत सरल है। मैं पिछले 30 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हूँ, और अमेरिका में रहते हुए भी कभी कठिनाई नहीं आई प्याज लहसुन छोड़ने के लिए। तो ये सब हम लोगों की मन की दुर्बलता है कि हमें लगता है कि हम प्याज नहीं छोड़ सकते। कोई जो सब्जी है वो प्याज के बिना नहीं बन सकती, प्याज लहसुन के बिना बनाएंगे ना तो बहुत अधिक स्वाद आएगा, क्योंकि तब उस सब्जी का स्वाद आएगा, प्याज का स्वाद नहीं आएगा। तो अभी प्रसाद बन रहा है, बता कैसे बन रहा है? हाँ, बिना प्याज लहसुन के। अच्छा बन रहा है कि नहीं? तो वास्तव में हम लोगों के घर में कई बार जो हम लोगों के मित्र आते हैं वो प्रसाद लेने, वो कहते हैं आपके घर में बहुत स्वाद आता है प्रसाद का, क्यों? क्योंकि एक तो ठाकुर जी को भोग लगा, दूसरा उसमें प्याज लहसुन नहीं है, है ना। तो पैसे की भी बचत होती है। और मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैंने PhD करी थी, उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च करी थी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कि प्याज में 20 प्रकार के विष होते हैं, 20 प्रकार के विष होते हैं। इसको अधिक सेवन करने से वास्तव में, ये सबकी यहाँ पे गलत धारणा है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा, वास्तव में सेहत के लिए दोनों ही बहुत हानिकारक हैं। तो प्याज लहसुन नहीं खाना, ये प्रण करके जाएं कि नहीं खाएंगे, यहाँ तो बहुत सरल है, पर देखिए मैं अमेरिका में भी रहता हूँ, वहां भी कभी कठिनाई नहीं हुई। जिनके अंडर मैंने PhD करी थी, जिस प्रोफेसर के अंडर, डॉक्टर डेविड हेलम्स, वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था। तो उन्होंने, वो जब रिटायर हो रहे थे तो बहुत बड़ी पार्टी हुई, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के CEOs आए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अलग से अरेंजमेंट करा है बिना प्याज लहसुन के। तो देखिए अगर आप अपने नियमों पर रहेंगे ना सख्ती पूर्वक, उनका पालन करेंगे, तो दुनिया भी उस प्रकार से भगवान अरेंजमेंट कर देंगे आपके लिए। तो आप इसमें कभी भी दुर्बलता नहीं करेंगे, दृढ़ विश्वास रखें कि यदि मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूं तो कृष्ण स्वयं सारे अरेंजमेंट्स कर देंगे कि सब कुछ आपके लिए बहुत ही
ठीक हो जाएगा, बहुत निष्कंटक हो जाएगा आपका मार्ग। तो आप यहाँ पे, और फिर दूसरे क्या कि किसी भी प्रकार का मदिरा आदि, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना, और किसी पर स्त्री पर पुरुष से संबंध नहीं रखना। आज कलयुग में सब प्रकार के ये दोष बहुत बढ़ते जा रहे हैं, है ना, बहुत बढ़ते जा रहे हैं। परंतु वैष्णव अपने प्रचार से धीरे धीरे लोगों के हृदय का परिवर्तन कर रहे हैं। आप लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में आए हैं, यहाँ पे यही हम लोगों का उद्देश्य है कि आप लोग इस कथा को, भगवान के नाम को अपने हृदय में लेकर के जाएं, और आपके हृदय में ये प्रेरणा हो कि मैं इस जीवन में, देखो माता पिता हर जीवन में मिलते हैं, ना कुत्ते को भी माता पिता के बिना कोई जन्म नहीं ले सकता, लेकिन गुरु वैष्णवों का और गुरु मिलना बहुत कठिनता से है। ये बहुत ही कोई सौभाग्यशाली है जिसको सदगुरु मिलते हैं। हम लोग अपने गुरुदेव की परंपरा में आए हैं, श्री नारायण महाराज जी, हमारी गौड़िया परंपरा है, हमारे गुरु वर्गों ने कृपा करके ये सारी स्थलियों की महिमा हम लोगों को प्रदान करी। क्या गौड़िया सिद्धांत है, महाप्रभु क्या देने आए, बहुत सुंदर ये विषय है, बहुत सुंदर परंपरा है। तो आप लोग सब इसका पूर्ण रूप से फायदा लाभ उठाएं, और हरि नाम निरंतर रूप से करें, और गुरु पद आश्रय करें। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, बोलो हरे कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। हाँ देखो, हम लोगों ने जहाँ अभी परिक्रमा करते करते पहुंचे, आप लोगों ने श्रवण किया है, ये स्थान को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसका एक नाम है खदरी वन। खदरी अर्थ दो अर्थ होता है, खदरी मतलब खदरना। जैसे उन्होंने, आप लोगों ने सुना, कृष्ण जैसे ये बगुला रूप धारण करके आए थे, जब बगुला रूप धारण करके आए थे, इन्होंने कोशिश की कृष्ण को खाने के लिए, जब ने कृष्ण को निगल लिया, खा लिया, इसलिए सखाओं ने बोले भैया कन्हैया को बकासुर ने खा गए, और ये खा गए, और इसलिए ये गांव का नाम है खायोरी। क्या नाम है? ये जो जैसे जैसे नाम पढ़ा ना, वो लीला के अनुरूप वज्रनाभन ये नाम रखा, इसलिए खायोरी। एक अर्थ है खा गयो। इतने में क्या हुआ, अंदर में तो जब कृष्ण को खा लिया, कृष्ण अंदर में गए और अपना शरीर को लोहे को जैसे गर्म कर दिया, गर्म कर दिया, तो इतने में उसने उल्टी कर दी। तो यहीं पर भक्त और अभक्त का, यहीं पर उनके उन्होंने चिन्ह बताते हैं। भक्त लोग भगवान को अपना हृदय में धारण करते हुए कितने शांति मिलती है, कितने आनंद मिलता है। लेकिन एक राक्षस जो भगवान को अंदर में ले गया, जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए शास्त्र कहता है, कद यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, जिनकी चरण कमल को छटा तक भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी, जिनकी चरण की एक छटा को भी दर्शन करने की सौभाग्य नहीं होता है, आज वो भगवान को बकासुर ने अंदर में ले लिया, लेकिन उनको क्या लगता है, जैसे लोहे, गर्म लोहे को हमने खा लिया, इतने में उसने उल्टी कर दी। और जब उल्टी कर दी, इतने में कृष्ण उसको मारने के लिए दौड़े, उसको खदड़े, खदड़ना समझते, भगाना, इसलिए उन्होंने खदड़ा है उनको, इसलिए ये गांव का नाम है खदरी वन, मतलब जिनको खदड़ाते हुए ले गए। फिर कृष्ण ने किया कि उनको दोनों चोंच को पकड़ करके चीर दिया, फाड़ दिया, चीर दिया, इसलिए यहाँ पर एक गांव का नाम भी चिल्ली। क्या नाम है? चीर दिया, इसलिए नाम पड़ गया चिल्ली। अभी बता रहे थे ना प्रभु जी, बकासुर को क्यों, ये कौन सा अनर्थ का प्रतीक है, कहते कपट, ये कपट है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भजन करना तो भैया हृदय को कपट सतह दूर रखो, ऊपर से दिखाने के लिए तो हम एक दिखते हैं, लेकिन अंदर में और कुछ। कृष्ण ये बंसुरी को क्यों बजाते हैं, कारण क्या है, क्योंकि ये बंसुरी का अंदर में पोला है, बंसुरी अंदर में खाली है, और कृष्ण जैसे फूंकते हैं ना, जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे बजती है। इसलिए राधा रानी कहती, अगली जीवन में मैं और राधा बन करके नहीं आऊंगी, आऊंगी तो मैं बंसुरी बन करके आऊंगी, क्योंकि मैं गोपी कृष्ण गोप,
कृष्ण की अधरामृत में तो हमारी अधिकार देख लो, ये बंसुरी तो हमें अंगूठा दिखा दिखा करके कृष्ण के सारे अधरामृत को यही पान कर रहा है। कृष्ण का होठ कितने बिंब फल जैसे, लेकिन ये सारे रस चूस लिया और कृष्ण का होठ देखो नीला पड़ गया है। इसलिए राधा रानी कहते अगली जीवन में और मैं राधा नहीं बन करके आऊंगी, क्या बन करके आऊंगी, बंसुरी बन करके मैं आऊंगी है। इसलिए कहते इसलिए शिक्षा देते कपटता को दूर करनी चाहिए। इसकी और एक स्थान का नाम खदीर वन, क्योंकि यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर खेजुर का फल होता था, खेजुर होता था हैं। इसलिए कृष्ण जब सखाओं के साथ में आते थे तब ये खेजुर का फल खाते थे, इसलिए ये स्थान का नाम क्या हो गया, खदीर वन, खेजुर वन भी है। इसका एक नाम है, यहाँ पर एक खैर होता है जानते कत्था, अब लोगों ने कोई पान नहीं खाए हुए, पान में ये कत्था देते हैं, दे करके जब उसको खाओ ना मुंह एकदम लाल बन जाता है। पहले लिपस्टिक फिस्टिक कोई नहीं लगाया करते थे हैं, इसलिए पहले पान खाओ, उसमें होने पर राधा रानी कृष्ण के लिए बड़े सुंदर कत्था बा खैरा, खैर कहते हैं इसको, कथा दे करके बड़ी सुंदर पान की बिड़िया बना करके कृष्ण को खिलाया करती थी। राधा रानी स्वयं खाती थी जिससे अपनी होठ अपनी आप लाल बन जाती थी, इसलिए इसका नाम भी खदीर बने हैं। ये बहुत सारे कारण से खदीर बने हैं। इसलिए हम अब हम जब उधर से आए ना, एक स्थान का नाम है आजनौक, आजनौक मतलब अंजन बा काजल। एक समय कृष्ण ने बड़ी सुंदर मीठी मीठी बंसरी बजाई, गोपियों ने राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी, लेकिन ये सारे श्रृंगार तो हो चुकी हैं, लेकिन आंखों में काजल लगाना केवल बाकी रह गया था। इतने में कृष्ण ने बंसुरी बजाई और राधा रानी तो भागते भागते आई, जब आई कृष्ण ने देखा राधा रानी की सारे श्रृंगार पूर्ण है लेकिन आंखों में काजल लगाना बाकी है। एक पत्थर के ऊपर में कृष्ण बैठ करके राधा रानी के आंखों में उनने काजल लगाई, लगा करके एक जो पत्थर था ना उसको ऊपर अपना अंगुल को उन्होंने रगड़ दिया है, पोंछ दिया। अभी भी उस स्थान पर, हम पिछले बार आए थे, छोटी गाड़ी चली जाती है, ज्यादा दूर नहीं पास है, छोटी गाड़ी चली जाती है, बस के लिए थोड़ी दिक्कत है, 5 मिनट अगर चल कर चलोगे तो दर्शन मिलता है। उसको शिला का नाम आज नौ की शिला अद्भुत है, अभी भी उस शिला को आप रगड़ोगे ना काजल निकलती, अभी भी निकल उसको हिस्सोगे वो काजल निकलता है, अपनी आप काजल निकलती है। इसलिए ये गांव के पास में एक नाम है बिजवारी, बिजवारी मतलब कहते बिजली जैसे। जब कृष्णा वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, गोपियों ने तो रथ को नीचे लेट गई, बोले श्याम सुंदर अगर जाना तो हमारे ऊपर रथ को चला करके ले जाओ। विधाता को बड़ी निंदा की, अगर तुमसे अगर बिछड़ना था तो फिर ये विधाता मिलाया क्यों, जैसे बच्चे लोगों को देखना मिट्टी का घर बनाते फिर झट उसको मिटा देते हैं, ये विधाता वैसे। बड़ी रोई, कृष्ण ने बहुत समझाए, कोई चिंता मत करो मैं आज जा रहा हूँ, कल कंसो को मार करके परसों आ जाऊंगा। इसलिए गांव का नाम, एक पास में गांव है जिसका नाम सी परसु, कृष्ण वहीं पर बोल कर गए थे मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों को तो अच्छे तरह से समझाए, लेकिन अभी जब कृष्ण और थोड़ी दूर गए ना, राधा रानी रास्ता को एकदम ऊपर लेट हुई और वो तो तप्त कांचन गौरांगी, हाँ कोटी कोटी सूरज को भी निंदा करने वाले तेज है, बिजली जैसे राधा रानी चमक रही थी। अभी राधा रानी को कैसे समझाए, कृष्ण बहुत तरह से राधा रानी को समझा करके बोले हे राधे कोई चिंता मत करो मैं जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं वापस आऊंगा। इसलिए राधा रानी बिजली जैसे वहां पर तेज थी, इसलिए वो गांव का नाम पड़ गया बिजवारी नाम पड़ गया। यहाँ पर एक गांव का नाम जिसका नाम है छत्रवन, छत्रवन नाम क्यों पड़ा, बोले जिस समय कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन हम जाएंगे, 7 साल का बालक 7 क्रोश और 7 दिन तक उन्होंने कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में श्री गिरिराज को उठा लिया, बोले श्री गिरिराज महाराज की, जोर से बोला आवाज नहीं आ रही, कोई जय कोई है बोल रहे हो। देखो जब ठाकुर को जयकार दो ना, ठाकुर को जयकार तो है ही है, लेकिन जो उनको जयकार जो जितने जोर से जयकार देता है ना उसको उतना पाप खत्म हो करके उतना उसकी जयकार होता है। बोले श्री गिरिराज महाराज की, अभी पता चला कुछ दम आई है। इसलिए कृष्ण जब उन्होंने गिरिराज को उन्होंने धारण किया और इंद्र भी आकर के जिनके चरण में माफी मांगी और भगवान को अभिषेक करा के उनका नाम रख दिया गोविंद नाम रखा, अभी पूरा ब्रज में हला हो गया है। क्या हला हो गया,
बोले भैया कन्हैया ने कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। भैया कृष्ण को ही साधारण एकदम ब्रज में ना चारी तरफ में कृष्ण की जय जयकार हो रहा था। हैं इतने में ये शब्द ये बात अभी गोपियों ने ये बात सुनी आकर के राधा रानी से शिकायत की, बोले राधे हम क्या सुन रहे हैं। बोले कहते ब्रज का राजा कृष्ण है लेकिन सारा दुनिया क्या कहते हैं, राधा रानी। राधा कृष्ण को कोई राजा कहते क्या? कोई नहीं कहते हैं, इसलिए राधा रानी को राधा रानी। वृंदावने स्वरी राधा जी का नाम दुनिया जानते हैं, वृंदावन के अधिस्वरी तुम हो लेकिन अभी तेरी नाम कोई नहीं, कृष्ण कन्हैया लाल की अभी कृष्ण की जय जयकार हो रहा है। ये क्या है? इतने में राधा रानी बोले क्या, मैं राधा रानी हूँ, ब्रज की ईश्वरी मैं हूँ, कृष्ण की कैसे जय जयकार। ये पास गांव जहाँ पर छत्र बन वहीं पर राधा रानी राज एकदम सिंहासन ऊपर बैठ गई, इसलिए वो गांव का पास में भी उमराव गांव, क्या नाम है, उमराव मतलब सर्वश्रेष्ठ, जहाँ पर राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण स्वयं घोषित किया है। राधा रानी को सिंहासन में बैठा दिया और राधा रानी उमराव बनकर रानी बनकर के बैठी गई। और सखियों ने किसने छत्र धारण कर लिया, किसने पंखा झुलाई, किसने पान की बिड़िया दी, कृष्ण राधा रानी आदेश दी अपना सखियों को, बोले जाओ कृष्ण को बंदी बना करके ले आओ मेरे पास में। हैं अभी जितने सखियां थी ना वो चढ़ाव कर दी किसको पास में, सब सखाओं को पास में, सबके सब पकड़ लिए। इतने में सखाओं ने बोले भैया हम कुछ नहीं जानते, हमारे लीडर तो कन्हैया कृष्ण। बोले यही लीडर राजा? बोले हाँ। इतने में कृष्ण को भी बंदी बना करके लाए, लेकिन भगवान को थोड़ी कोई बंदी बना सकते है, भगवान तो प्रेम में बसे हुए ठाकुर जी, इसलिए भक्त वत्सल भगवान है, वो केवल प्रेम से ही बसीभूत होते हैं और किसी चीज को द्वारा नहीं। लेकिन भगवान को तो बंदी बनाया, बोले कैसे, बोले फूलों की माला से, क्योंकि प्रेम से तो ठाकुर को बांध सकते हैं ना, नहीं तो ठाकुर को कौन बांध सकता है। हाँ विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है उनने फूलों की माला से उन्होंने कृष्ण को बंदी बनाए और राधा रानी को पास में लेकर के आए और राधा रानी बैठ हुई थी सिंहासन में। जब उन्होंने कृष्ण को देखा राधा रानी सिंहासन से उतर गई, फिर राधा कृष्ण दोनों वहां पर बैठे, कृष्ण स्वयं राधा रानी को अभिषेक करवाया और अभिषेक करा के पूरा ब्रज मंडल में उन्होंने घोषित किया आज से वृंदावन के जो अधीश्वरी कौन है, श्री राधा रानी, उन्होंने स्वयं घोषित किया है। इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी नाम से सबके सब उनको पुकारा करते थे। इसलिए जो ये जो कुंड देख रहे हैं इसका नाम है संगम कुंड, जहाँ पर राधा कृष्ण की यहाँ पर मिलन हुआ करता था। इसको बाद में और एक कुंड हम जाएंगे, हम दर्शन करेंगे, उसका नाम है किशोरी कुंड। क्या नाम है? किशोरी कुंड। यहीं पर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, ये कौन है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का गुरु जी है। हैं जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर नाम सुने हो, नरोत्तम दास ठाकुर का किसने सुने, हाथ उठा करी आप लोगों ने सुने, आप लोग करके हमारे संप्रदाय का है ना, इसलिए आप लोग जानते हो। कहते ये नरोत्तम दास ठाकुर ये राजा घर के बेटे थे, हम गए थे ना वहाँ, राजा घर के बेटे थे, लेकिन जब उनको कृष्ण भक्ति की चस्का मिली ना, सारा दुनिया को ठोकर मार करके उन्होंने वृंदावन में आए और वृंदावन में आ करके सोच रहे हैं जब तक जीवन में कोई गुरु ग्रहण नहीं करता है तब तक भगवत प्राप्ति उसको नहीं होती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई। बोले ब्रह्मा शंकर जी के बराबर अगर कोई हो जाए लेकिन अगर जीवन में सदगुरु ग्रहण नहीं करे, बोले संसार से पार नहीं हो सकता है, संसार से पार नहीं हो सकता है। देखो एक छोटी सी कथा सुन लो, बोले एक समय ध्यान देकर सुनो, बोले एक समय कोई एक कथाकार कथा कर रहा था, बोले देखो जो व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करता है ना वो भवसागर से पार हो जाता है, लेकिन उसके घर में के तोता पिंजरा में था, वो तोता ने बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोले बाबा क्या बोल रहे हो, इसे झूठ मूठ का बात क्यों कहते हो, भगवान का नाम लेने से भी जीव भवसागर से पार हो जाता है। बोले तो सच ही कह रहा हूँ। बोले सच कहा, तुम मेरे को देख ले, ये छोटी सी पिंजरा में रहता हूँ, जो कोई आए उसको हमें राम राम कृष्ण कृष्ण दिन भर बोलता हूँ, अभी ये छोटी सी पिंजरा से ही मेरी मुक्ति नहीं मिली, और ये कहाँ भवसागर से मुक्ति, ये सब झूठ बात बंद करो। वो तो चुप हो गया। जब वो गया आश्रम में अपना गुरुजी को ये सारी बात बताई, गुरुजी बोले चलो मैं तेरे साथ में चलता हूँ, जा तू कथा कर मैं खड़ा हूँ।
फिर उन्होंने बोले जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम ग्रहण करता है वो भवसागर से पार हो जाता। फिर तोता चिल्ला उठा, बोले बाबा फिर क्यों वो झूठ मूठ का बात बोलते हो। इतने में वो गुरु जी थे, बोले झूठ क्या, ये सच है। तोता ने कहा मेरे को ही देख लो ना, ये छोटी सी पिंजरा से मेरी मुक्ति नहीं हो रही, सबको भी राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ। गुरु जी ने कहा देख बेटा, तू ये जो राम और कृष्ण का नाम लेता है ना, किसी सदगुरु से तुम्हें ग्रहण नहीं किया है, तुम किसी शुद्ध संतों से नाम नहीं लिया है, इसलिए तेरे को ये पिंजरा से मुक्ति नहीं मिलती है। उनने उदाहरण देकर जीव गोस्वामी कहते, अब भी अच्छे तरह समझो, ये मंत्र गुरु जी से क्यों लेनी चाहिए, शास्त्र में तो लिखा हुआ खुद करो ना, ये गुरु जी से क्यों लेनी चाहिए। देखो क्या उदाहरण देते हैं, कहते ऐसे कुछ पेड़ है जिससे पेड़ का बीज अगर डायरेक्ट लेकर का बोगे ना, वो पेड़ नहीं होगा। बता सकते हो कौन सा पेड़ है? पीपल का। देखना ये पीपल का पेड़ देखना, बरगद का पेड़ देखना, इसको नीचे भी कभी बरगद पीपल का पेड़ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छत के ऊपर में, किसी पेड़ के ऊपर मिलेगा। बोले क्यों? बोले वो वृक्ष का नियम है, उसको जब कोई चिड़िया खाए, वो बीज किसी चिड़िया को पेट में जाए, जब वो बीट करता है ना, उसको पेट में ऐसे के रस है, वो रस को द्वारा मिश्रित होकर के एक पेड़ बनने के लिए तीन चीज जरूरत है। क्या क्या? पहले तो मिट्टी चाहिए, फिर पानी चाहिए, हवा चाहिए, तभी जाकर कोई वृक्ष होगा, नहीं तो वृक्ष नहीं होगा। लेकिन आप देखना छत के ऊपर में कोई मिट्टी नहीं, वहां कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन देखना वहां पर पेड़ है। वो ऐसे पेड़ कैसे हो गया? कहते ये जो भी चिड़िया के पेट में जो बीज गया, उसका पेट में ऐसे कुछ शक्ति है, रस है, जो बीज में मिला है ना, देखना छत को फाड़ देता है। देखे होंगे छत को फाड़ देती है बरगद पेड़ और पीपल का पेड़ है, वहां पर पानी कुछ नहीं, मिट्टी भी नहीं। जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, उसी तरह जो कृष्ण मंत्र है, जब हम डायरेक्ट लेंगे ना, फल तो नहीं होगा, लेकिन जब ये बीज को किसी नाम को कोई सतगुरु ग्रहण करे, जब वो प्रभु का नाम लेते लेते जब ये नाम एक दिन साक्षात नामी बनकर कृष्ण बनकर प्रकट होते हैं, जब उनसे जब हम मंत्र ग्रहण करते हैं, फिर तो वो मंत्र में इतने शक्ति, अगर पानी नहीं हो, वहां पर मिट्टी नहीं हो, तभी क्या करेगा? हृदय में भक्ति जागृत कर देगा। मतलब क्या है? अगर तुम्हारे हृदय में श्रद्धा भक्ति नहीं, जैसे नारद जी, वाल्मीकि का नाम सुने हो? कौन कौन सुने वाल्मीकि का नाम? सब जानते हो, बताओ तो वाल्मीकि पहले क्या था? डाकू था, दस्युरत्नाकर था। लेकिन नारद जी को साथ में एक बार के बोले मिले, जब उसको बोले राम, बोलो बोलो राम, बोलो बोलो राम, लेकिन उसके मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला, इतना बड़ा पापी था। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले मरा मरा तो बोल सकता हूँ, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ, लेकिन उल्टा नाम जपत जगह जाना और वाल्मीकि महे ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मन माही। ऐसे जो दस्युरत्नाकर उनने वाल्मीकि बन गए। लवकुश देखे हो? कौन कौन टीवी में लवकुश देखे हो? रामायण देखे कि नहीं? ये वाल्मीकि राम आने से पहले उन्होंने रामायण लिख लिया, इतने शक्ति। इसलिए जब किसी संतों से, सचमुच से किसी साधु से जब हम नाम ग्रहण करें, वो नाम बड़ा बलवती होता है। हृदय में कुछ नहीं होने पर भी जब किसी शुद्ध साधु से हरि नाम ले, वहां पर भी कृष्ण भक्ति की रस को वो संचार कर सकते हैं, है? इसलिए यहाँ पर लेकिन शास्त्र में और एक बात बताया, गुरु कर जान के और पानी पियो छान के, ये भी एक बात बताया। इसलिए शास्त्र में बताया अगर किसको हरि नाम लेना, प्रभु की माला लेना, ये पद्म पुराण में बताया, चार जगह पर आप प्रभु का नाम ले सकते हो। ये चार वैष्णव संप्रदाय है, एक श्री संप्रदाय, एक ब्रह्म संप्रदाय, एक रुद्र संप्रदाय और एक सनक संप्रदाय। ये चार वैष्णव संप्रदाय, ये चार वैष्णव संप्रदाय में गले में जरूर कंठी देखोगे, उनका जरूर तिलक देखोगे, उनकी चोटी देखोगे और ये माला भी देखोगे। ये संप्रदाय में ऐसे नहीं ऐसे आए नाम दे दिया, नहीं। अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, वो संप्रदाय नियम है, मांस मछली छोड़ना पड़ेगा, अंडा छोड़ना पड़ेगा, प्याज छोड़ना पड़ेगा, तुमको अवैध स्त्री संग छोड़ना पड़ेगा, जीव हिंसा छोड़ना पड़ेगा, है? जब ये चार चीज को पालन करते हैं तभी इसी संप्रदाय में प्रभु का नाम मिलता है। ऐसे नहीं आए अपना चेला बढ़ाने के लिए माइक लगा करके लो जितने लोग मंत्र, नहीं, ये तो बिजनेस हो गया, ये बिजनेस हो गया। ऐसे गुरुदेव मंत्र नहीं देते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी,
आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गए, सचमुच से वो डॉक्टर तुम्हारी बीमारी सही करना चाहता है, वो बीमारी पहले डॉक्टर आपको परहेज बताएगा, बोले देखो बेटा दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, अगर आप परहेज को साथ में दवा लोगे तो फिर तो ये दवा की कोई असर पड़ेगी, अगर आप बगैर परहेज को साथ में दवा लोगे जिंदगी भर दवा खाओ लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भगवान का नाम ये दवा कलयुग में, लेकिन ये दवा लेने के लिए भागवत कहता है चार परहेज जरूर करो। ये वैष्णव संप्रदाय में चार परहेज बोलेंगे, जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी तरह का पान बीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब नहीं लेनी चाहिए। तीसरे नंबर रूप में अवैध रूप में स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्रियों से नहीं मिलनी चाहिए। जो चौथा नंबर है जीव हिंसा, मांस मछली अंडा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। प्याज भी प्रभु जी बता रहे थे ना, प्याज भी तामस की वस्तु है, जैसे नवरात्रि आती है ना, नवरात्रि आप देखना 9 दिन तो कोई प्याज लहसुन नहीं खाते, खाते हो कोई? क्यों? ये तामस की वस्तु, ऐसे नहीं 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा शुरू कर दिया, नहीं। जब माता जी को क्या 9 दिन के लिए खुश रखना, उसको हर समय के लिए खुश रखनी चाहिए। जो ठाकुर को भोग नहीं लगता है, ठाकुर स्वीकार नहीं करते हैं, वो चीज हमें भी नहीं लेनी चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी, हाँ हाँ यही तो प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी ये अभी ह्यूस्टन में रहते हैं अमेरिका में हैं, यहाँ से सबसे बढ़िया टॉप का स्टूडेंट ये बनकर गए, ये बहुत बड़ा किसी ऑफिस कहाँ पर किस में क्या काम करते प्रभु जी? इन्फोगेन कॉर्पोरेशन। ये प्रभु जी उसमें हेड है, बहुत बड़े कंपनी का ये हेड वहाँ पर है, देखो गले में कंठी तिलक, इनकी 2 बच्चे हरिनाम करते, पत्नी भी भक्ति करते हैं, विदेश में रह करके ये वहाँ पर बगैर प्याज लहसुन के भोग लगा करके प्रसाद बांटते हैं। अरे हम तो भारत में रहते हैं, हम तो बड़े भाग्यवान हैं जो भारत, भारत मतलब क्या, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब हर समय जो प्रकाश का तरफ में रत रहते हैं, इसलिए हमारे देश का नाम क्या है, भारतवर्ष है, हैं? इसलिए हम बड़े भाग्य से देवता लोग भी भारत में जन्म लेना चाहते हैं, और हिंदू घर में विदेश में जन्म लेना नहीं चाहते हैं, भारत में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? कृष्ण राम जितने गंगा जमुना सरस्वती कहाँ से आए, सबके सब कहाँ, भारत में है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं भारत में, और हिंदू घर में हम लोग ने हिंदू परिवार में सनातन धर्म में जन्म लिया बहुत भाग्य से। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी बोले किसी को गुरु करनी चाहिए, उन्होंने ढूंढे वृंदावन में, पता चला यहीं पर एक बहुत बड़ा संत रहता है जिनका नाम श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, कृष्ण लीला में ये मंजुलाली सखी, तब उन्होंने आए ढूंढते ढूंढते यहीं पर, तब उनको गुरु रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही प्रतिज्ञा करके रखे, मैं जिंदगी में कभी किसी को चेला नहीं बनाऊंगा, शिष्य नहीं बनाऊंगा, उन्होंने ये प्रतिज्ञा करके, उन्होंने प्रतिज्ञा करके रखा था। लेकिन इन्होंने तो आकर के जो बोले, बोले मैंने तो प्रतिज्ञा की जिंदगी में कभी शिष्य ही नहीं बनाऊंगा, बोले मैंने तो आपको गुरु जी रूप में ग्रहण कर लिया, मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा, बोले स्वीकार नहीं करेंगे, अभी सोच रहे इनको खुश कैसे करेंगे, बोले अगर इनकी किसको खुश करना चाहिए तो कैसे करोगे, सेवा को द्वारा किसको खुश कर सकते हो, जैसे देखना पत्नी अपना पति को कैसे खुश करती है, सेवा को द्वारा, है ना, दिन भर रोटी बनाती है, कपड़ा धोती है, घर साफ करती है, इसलिए देखना पति पूरा पैसा महीना भर तक पैसा कमाएगा, सारे पैसा ला कर किसको देता है, अरे बोलो किसको देते है, अब चुप बैठो, पत्नी को देती है ना, अगर पत्नी से 100 रुपया मांगे 1000 कई फर्क देना पड़ेगा, देती नहीं कहते ले लेती है, अगर पति बोले भैया इतना, बोले क्या कहोगे, इतना पैसा क्या कर, बोली है, बोले इतना क्या जरूर, इतना से हो जाएगा लो, लेकिन कमाया किसी ने, पति पत्नी को दे दिया, कारण क्या, सेवा है, क्योंकि पत्नी पति को पता है ये कभी गलत काम में नहीं लगाएगी, इसको सही सही संसार में, यही तो संसार देखती है ना, वो तो केवल पैसा कमा करके लाता है, इसलिए देखा जब तक किसका सेवा नहीं करेंगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा। बोले ये तो विरक्ति संत, 2 रोटी ले आए, खाए, भजन किए, अब इनको प्रसन्न कैसे करें, इनको खुश कैसे करें, देखो उन्होंने क्या सेवा की, उन्होंने जहाँ पर वो पैखाना करते ना, अपना शौच क्रिया करते थे,
वो स्थान को रोज जाकर के लिपा पता लगा करके झाड़ू से साफ करते थे। वो संत ने देखा यहाँ पर पहला दिन में शौच क्रिया करके जाता हूँ, दूसरे दिन देखता हूँ यहाँ तो साफ सुथरा, मेरे को कौन अपराधी बना रहे हैं मेरी सेवा करके। क्योंकि संत सहज रूप में किसकी सेवा लेना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों तो कुछ देना पड़ेगा ना है, इसलिए उन्होंने छुप करके देखा ये राजा की बेटा ये नरोत्तम दास ठाकुर ये काम को ये करते है, आकर के हाथ पकड़ लिया, बोले बेटा तू मेरे को अपराधी क्यों बनाते हो। बोले गुरुजी मैंने आपको अपना हृदय में गुरुजी रूप में मैंने धारण किया है, इसलिए आप कृपा करके मेरे को दीक्षा मंत्र दो। इसलिए फिर उन्होंने रीज करके उन्होंने उनको यहीं पर उन्होंने दीक्षा मंत्र दी और उनको जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए उन्होंने भेजा। क्या उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रचार की सारा दुनिया में, मणिपुर अभी भी उनकी प्रचार, एक मंदिर है 108 मृदंग बज करके ठाकुर का आरती होती है, वहां का राजा को सबसे पहले उन्होंने शिष्य राजा को बनाया। अगर किसी देश का राजा अगर गले में कंठी तिलक लगा लेना चोटी रखे हरिनाम करे क्या होगा, सारे प्रजा अपने आप कर देंगे। इसलिए अभी भी कभी मणिपुर में जाओगे ना जितने माताओं को देखोगे ऐसे कपड़ा पहने होंगे, देखोगे सबकी गले में कंठी, जो तिलक आप लोग लगाए ना, हमारा जो नर जो तिलक है हमारे जो परिवार जो ये नरोत्तम दास ठाकुर का हमारे इनके परंपरा के ये तिलक है, अभी पूरा देखोगे सबके सब गले में कंठी तिलक माला सबके सब धारण किए। इसलिए आप लोग भी यहाँ पर तो ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग है, कोशिश करना जरूर गले में तुलसी कंठी जरूर पहनो। ये जब जमदूतों को कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते है ना मेरे पास में मत लाना। जमदू तो पूछे कहते पता कैसे चलेगा ये व्यक्ति भक्ति करता कि नहीं करता, तब उन्होंने उदाहरण दिया जैसे एक सधवा स्त्री, कैसे पता चलता है सधवा स्त्री, जैसे सिंदूर लगाती हो, मांग भरती हो, मंगल सूत्र पहनती हो, नाक में बेसर धारण करती हो, ये जगत का पति के लिए। कहते उसी तरह जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें तीन लक्षण देखने को मिलेगा। कितना लक्षण मिलेगा इधर देखो, कितने मिलेगा, क्या किया है देखो। जम कहते हैं बोले ललाटे तिलकम, जरूर ये तिलक लगाए, कंठे त्रिकंठिका, गले में जरूर तुलसी की कंठी पहनेंगे, और हृदय नास्ति गोविंद, जरूर उनको पास में जरूर ये माला जरूर उनको पास में रहेगा। इसलिए संत लोग एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप विदेश जाना चाहते हो अमेरिका लंदन, आपको पास में क्या क्या होनी चाहिए बताओ तो, पासपोर्ट वीजा और टिकट। देखो ये साधारण एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आपको ये तीन चीज की जरूरत, अगर आप ठाकुर को पास में जाना चाहते हो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। इसलिए पहले पासपोर्ट, पासपोर्ट मतलब क्या, गले में तुलसी की कंठी पहनो। इसलिए जब महाराज एक उदाहरण दिया बोले देखो दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं जोर से बोला, कहते एक पालतू और एक फालतू। पालतू कुत्ते कैसे पता चलेगा, बोले गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है देखने से पता चलता किसी घर की ये कुत्ते, और जो फालतू कुत्ते बिने पट्टे के रोड रोड में घूमते हैं, आप देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर हम गले में तुलसी कंठी हो तो हम पालतू, किसके पालतू है, ठाकुर जी की पालतू। अगर गले में कंठी नहीं तो फिर हम कौन है, जोर से बोला, अब बताओ पालतू बनेंगे ना फालतू बनेंगे, पालतू बनो। ये जो तुलसी में ना इसमें 200 तरह का बीमारी की प्रतिषेधक मेडिसिन, जो कोरोना आई थी ना कोरोना, अब पढ़ लेना जो कोरोना ने निकाला राम, 90% उसमें तुलसी पता है और 10% दूसरे दूसरे चीज। इसलिए अगर जिसके गले में तुलसी कंठी स्नान करो इसका पानी सारा शरीर में जाएगी, बहुत सारी बीमारी अपने आप निकाल लेगी। शास्त्र में एक श्लोक बताए बोले जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी धारण करते हुए स्नान करता है पृथ्वी का सारे तीर्थ में उसकी नहाना हो जाती है, शास्त्र कहता है। और जब तू दूर से देख लेगा ना प्रणाम करेगा, भैया ये पालतू बांके बिहार के, इसलिए इनको पास में जाना नहीं, ठीक है ना। इसलिए और तिलक जरूर लगाया करो, आप लोग तो हिंदू देखना जैसे कोई अच्छे काम के लिए कोई जाते तिलक लगा कर भेजते, जा बेटा तेरा विजय प्राप्त हो, कहती ये तिलक लगा कर कहीं भी जाओगे ना जो काम बनने वाले नहीं वो भी काम बन जाएगा। जैसे घर में देखना जो पुजारी पूजा कराने के लिए आता है पहले क्या करता है, जब तक वो तिलक नहीं करेगा तब तक वो तुम्हारी पूजा नहीं करेगी, मतलब क्या, कहते तिलक के बगैर तुम्हारी पूजा भी निष्फल है, कोई काम होने वाले नहीं, ये पुराण कहता है। इसलिए जरूर जो तिलक है देखो ये ब्रह्मा है, ये बीच में विष्णु, ये महेश, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये जो दो है ना ये ठाकुर का दो चरण है,
नीचे का भाग देखो, जैसे ठाकुर के चरण में तुलसी दल देते हैं, नीचे का भाग ये तुलसी पत्ता जैसे है। कहते ये तिलक जो दर्शन करता है उसको साक्षात बांके बिहारी दर्शन करने का फल मिलता। शास्त्र में बताया जो व्यक्ति तिलक धारण करता है उसका शरीर में गंगा, जमुना, सरस्वती, दुर्गा देवी, काली, पार्वती, सीता, गीता उसका शरीर में सबके सब रहते हैं। अब बांके बिहारी को देखे होंगे ना, ठाकुर जी को देखना, ठाकुर को ललाट में तिलक है कि नहीं है ना। भगवान राम को देखे हो तिलक है कि नहीं, हनुमान जी को देखे हो तिलक है कि नहीं, गणेश जी को देखे हो तिलक है कि नहीं, सबका तिलक है। नारायण को देखे हो, कौन कौन नारायण देखा, हाथ उठाओ तो देखना, उनकी आधा मुंह तिलक में नारायण की भरा है। इतना बड़ा तिलक पूरा आधा से यहाँ तक देखो तिलक में भरा हुआ है। जब ठाकुर जी को शर्म नहीं लगता, हमें क्यों शर्म लगेगा कि हम ठाकुर जी से बड़े हो गए क्या? शर्म नहीं करनी चाहिए भक्ति के लिए हैं? शर्म नहीं, लाज लज्जा भय तीन थाकते नहीं, बंगला में कहते भैया भगवान की भक्ति करने के लिए। देखो इनको देखो, आप तो यही रहते हो, जो ऑफिस जाता है ना अपना कंपनी का महा, ये एक तरह का मैन है, ये तिलक लगा कर जाता है अपने कंपनी में, गले में कंठी। देखो ये अमेरिका में रहते, हम तो भारत में कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, भारत में, ठीक है ना। सबके सब क्या करना, तिलक धारण करना। हम द्वादश अंग में भागवत में आती है मैया जसोदा, जो पुतना आ गई ना उनको द्वादश अंग में तिलक धारण करवाए कृष्ण की, ठाकुर जी तिलक लगाते, ठीक है। तिलक कंठी और भगवान की नाम तो जरूर करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब सब ठाकुर का नाम जप करना लो। हाँ, इसलिए अब लोग जो स्थान पर आए हैं, हाँ, और एक जो किशोरी कुंड था, जो संत रहते थे, जब उन्होंने डुबकी लगाए ना, उनको हाथ में एक ठाकुर आए जिनका नाम था राधा विनोद, जो जयपुर से आए हैं उनको पता है वो राधा विनोद वहीं पर, क्योंकि औरंगजेब का आक्रमण होने पर उनको यहाँ से वहां ले कर गए। जब ठाकुर जी प्रकट हुए ना कुंड से, ठाकुर उनसे बात करते थे, बोले लोकनाथ बड़े दिन से भूखा हूँ, भोजन नहीं किया, कुछ खिलाओ। भगवान को भूख लगता है, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक कितने भक्त, लेकिन भक्तों का प्रेम में बसीभूत हो जाते हैं। उन्होंने रोटी सब्जी बनाई, बोले बगैर चाटनी से कोई भोजन किया, थोड़ा चाटनी तो बनाओ, चाटनी बनाया। बोले नींद आ रही है, थोड़ा सुलाने के लिए व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने फूल ला करके सोने की व्यवस्था की, बोले गर्मी लग रहा है थोड़ा हवा तो करो। उन्होंने कोमल कोमल पत्ते से हवा करवाई, तब बोले देखो प्यार में दर्द हो रहा है, थोड़ा प्यार भी तो दबा दो। ठाकुर जी ये संतों से डायरेक्ट बात करते थे, वो जो विनोद लाल है ना जयपुर में, इसलिए हम कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोलो कहते सबरी जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तो, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम। इसलिए ये ठाकुर डायरेक्ट वो संत से बात करते थे हर चीज चीज पर। जैसे बच्चा मैया को पास में ये करती है ना, प्रार्थना करती है, बोलती है, हर चीज को बोल मांगते थे ठाकुर जी। वो जयपुर में ठाकुर जी राधा विनोद अभी जयपुर में है, इसलिए जो आस पास में जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, इतने लीला हुई कृष्ण यहीं पर सखाओं के साथ में, यहीं गया चराए करते थे। इसलिए जो असली जो लीला स्थली है ना, यही सब असली लीला स्थली। आप लोग आज बहुत सारी जगह में जाओगे, बहुत प्यारी प्यारी जगह में दर्शन करोगे। इसलिए हम यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं, प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करें। परीक्षित महाराज जी ने 7 दिन कथा सुनाई, सुनी उनको तो भूख लगी नहीं, हमें तो भूख लग रही है, रोटी भी ठंडी हो रही है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, प्रभु जी करेंगे और ये बहुत बड़ी